नमस्ते, आप सबका स्वागत है द योगिक लॉर चैनल में। आज हम सीटेड योगा स्ट्रेच करेंगे। सारे आसन बैठकर ही किए जाएंगे, खड़े होकर करने वाला एक भी आसन आज हम नहीं लेंगे। तो किसी दिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो आप ये फ्लो कर सकते हैं। और ये फ्लो सबके लिए सूटेबल है, चाहे आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर है या आपने हाल ही में योगा शुरू किया है। करने के बाद अपने कॉमेंट्स फीडबैक में ज़रूर लिखें। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम अभ्यास की शुरुआत मैट पर सुखासन में बैठकर करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, अपनी बैक को बिल्कुल सीधा करें, अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर एक सीधी रेखा में लाएं। अब हम सीटेड कैटकाव करेंगे, यानी बैठकर मर्जरी आसन। तो सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट के साथ टच करें और सांस लेते हुए आगे की तरफ स्पाइन को आर्च करते हुए ऊपर देखें। इसी अभ्यास को 5 बार और करें। सांस लेते हुए ऊपर देखें, अपने चेस्ट और शोल्डर को स्ट्रेच होता हुआ महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आपकी बैक पीछे की तरफ जाएगी और चिन चेस्ट के साथ टच करेगी। इस अभ्यास को अपनी गति से करें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे आज का। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ें और सांस छोड़ते हुए उन्हें नीचे लाएं। सांस लेते हुए साइडवेज हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइडवेज नीचे। सांस लेते हुए साइडवेज हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइडवेज नीचे। अब एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखें और पीछे की ओर देखें। इसे परिवृत्त सुखासन कहते हैं। चिन को शोल्डर के साथ एक लाइन में लाने की कोशिश करें, पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए अब हम दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। चिन को शोल्डर के साथ एक लाइन में लाने की कोशिश करें। अब सांस लेते हुए वापस हाथ ऊपर, अब हम लेफ्ट साइड दोबारा ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए अब हम दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर, अपने हैंड्स को इंटरलॉक करके सांस छोड़ते हुए उन्हें अपने चेस्ट के पैरेलल लेकर आएं। सांस लेते हुए वापस ऊपर और सांस छोड़ते हुए चेस्ट के पैरेलल लाएं। अब अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। अब हम अपने अगले आसन में जाएंगे, जिसका नाम है अर्ध तितली आसन। बाई को सीधा करें, अपनी दाई टांग को मोड़े रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए टांग की ओर झुकें। अपने पंजे को हाथों से पकड़ें और अपनी बैक को सीधा रखें। अपनी बैक को सीधा रखते हुए ही आगे की ओर स्ट्रेच करें।
अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर, अपनी बाएं टांग को मैट के छोटे छोर की ओर लेकर जाएं। अपने बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ें, सांस लेते हुए दाएं हाथ ऊपर की ओर लाएं। यहाँ पे हमें पूरे अपने राइट साइड ऑफ बॉडी में एक स्ट्रेच फील होगा। ये एक साइडवे स्ट्रेच है, जितना हो सके उतना ही स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में। अब हम अर्ध तितली आसन दूसरी टांग से करेंगे। तो अपनी दाएं टांग को सीधा करें, बाएं टांग को पेल्विस के करीब रखें, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पंजे को पकड़ें, बैक को सीधा रखते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करें जितना हो सके। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर, दाईं टांग को मैट के छोटे छोर की ओर लेकर जाएं। अपनी दाईं टांग को सीधा करें, दाएं अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ें, सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर लाएं। इस बार आपको अपने शरीर के पूरे लेफ्ट साइड में स्ट्रेच फील होगा। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में। अब अपनी दोनों लेग्स को वाइड ओपन करें एक एंगल पर, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर टांगों के बीच में हाथों को लेकर आएं। जितना हो सके उतना ही आगे की ओर झुकें। आप अपने कोनियों को मोड़कर हाथों के सहारे भी आगे की ओर झुक सकते हैं। अब धीरे से ऊपर उठें और मैट के शॉर्टर एज की तरफ फेस करें। अब यहाँ पर हम मालासन में बैठेंगे। आपके दोनों पैरों के अंगूठे बाहर की ओर पॉइंट करेंगे। अपने हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा रखें और कोनी से अपने टांगों के बीच के गैप को बढ़ाएं। अब नीचे बैठें, हम नवासन में आएंगे। थोड़ा सा पीछे की ओर झुकते हुए अपनी टांगों को ऊपर लाएं, अपने घुटनों को मुड़ा हुआ रखें। आपके हाथ पैरों की ओर पॉइंट करते हुए नवासन में आ जाएं। अपनी टांगों को रिलैक्स करें। अब हम जानू शीर्षासन करेंगे। अपनी बाईं टांग को सीधा रखें, दाईं को मोड़ें, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं टांग के अंगूठे को पकड़ें और आगे की ओर झुकें। जितना हो सके अपने सर से घुटने को छुएं। अब वापस ऊपर आएं, अपने दाएं पैर को बाएं के ऊपर से लेकर जाएं और दूसरी ओर रखें। उसे बाएं हाथ से पकड़ें और दाईं तरफ पीछे की ओर मुड़ें। ये एक तरीके का स्पाइनल ट्विस्ट है। अब दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब यही दो आसन हम दूसरी टांग से करेंगे। तो अपनी दाईं टांग को सीधा रखें, बाईं को मोड़ें, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लाएं,
सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़कर आगे की ओर झुकें। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर। अब अपने लेफ्ट पंजे को राइट लेग के ऊपर से लेकर आएं। अपने बाईं टांग को दाएं हाथ से पकड़ें और पीछे की ओर देखें। वापस बीच में आएं। अपने दोनों पंजों को जोड़ते हुए अपने पैरों को अपनी तरफ खींचें। तितली आसन में अपने पंजों को अपने हाथों से पकड़ें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें और एक गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। इसी आसन में थोड़ी देर बने रहें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप बस पंजों को पकड़कर सीधा बैठ भी सकते हैं। अब वापस सांस लेते हुए ऊपर आएं, अपने हाथों के सहारे धीरे से पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों घुटने मोड़ें, पंजों को मैट पर रख के अब हम सेतु बंदासन या ब्रिज पोज करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे जोड़ें और कंधों पर जोर डालते हुए अपनी पेल्विस रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। इसी आसन में थोड़ी देर बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए और अपने हाथों के इंटरलॉक को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को पकड़ें अपने हाथों से और साइडवेज थोड़ा सा रोल करें पवन मुक्तासन में। अब दोनों टांगें सीधी करें, अपने हाथ भी सीधे करें शवासन में। आपके पाम्स जो हैं आसमान की ओर फेस करेंगे, आपके टोज बाहर की ओर पॉइंट करते हुए। महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। अपना ध्यान एक एक शरीर के पार्ट पर लेकर जाएं और अपने हर पार्ट को गहरे तरीके से शिथिल करें। जब भी आपको ठीक लगे एक तरफ मुड़कर ऊपर आ जाएं। धन्यवाद इस योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।